नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म की बड़ी अनूठी बात है कि हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं, हम इंसानों की पूजा भी करते हैं और जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं, जिनका एहसान है हमारे ऊपर, हमारे जीवन को बनाने में, हमारे समाज को बनाने में, हम उनके योगदान को भी याद करते हैं और उनके योगदान के लिए उनको नमन करते हैं। अपने पूर्वजों के लिए हम एक समय खास तरीके से उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इस खास समय को कहा जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष का पूरा मामला क्या है, इस विषय पर आज हम चाल चक्र में बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे पितृपक्ष के रहस्य के बारे में। बात करेंगे कि पितृपक्ष मनाने के नियम क्या हैं और पितृपक्ष का पालन करने की सावधानियां क्या हैं, कौन श्राद्ध करेगा, कौन श्राद्ध नहीं करेगा, श्राद्ध का समय क्या होगा, श्राद्ध की महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी, इन तमाम चीजों पर आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पितृपक्ष से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको हम पहले ही देंगे क्योंकि कल से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे जो अहम सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये पितृ होते कौन हैं और ये पितृपक्ष आखिर होता क्या है, पितृ कौन है और पितृपक्ष क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं, चाहे वो हमारे दादाजी हों, दादी जी रही हों, माता पिता रहे हों और पूर्वज रहे हों, ये सब पितृ कहे जाते हैं जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका होता है। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति, उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक में रहती है, ऐसा माना जाता है। या तो मृत्यु के बाद जन्म हो गया और अगर जन्म नहीं हुआ तो आत्मा इधर उधर भटकती नहीं है, आम तौर पर सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। जब आप अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को नियमित रूप से याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि पितृ धरती पर आकर के अपने लोगों का ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। जैसे गणेश महोत्सव में भगवान गणपति धरती पर आते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान अपने भक्तों के बीच में आते हैं, वैसे ही पितृपक्ष में जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो धरती पर आ करके अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं, दान करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे तमाम कार्य करते हैं जिससे पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिले। इसलिए ये समय बड़ा पवित्र होता है। जो लोग ये समझते हैं कि पितृपक्ष का समय बुरा है, उनको मैं बता दूं कि आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा समय है और शास्त्र कहता है कि इस समय में पितरों की पूजा उपासना करने से आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेगा, यानी कल से इसकी शुरुआत होगी और ये 17 सितंबर तक चलता रहेगा।